हेलो सी यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स। सो यार, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी सारे कोर्सेज ऑफर करती है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट का इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने जो है बहुत सारे बच्चों को ये मौका दिया था फिर से रजिस्ट्रेशन करने का 19 तारीख से लेके 26 अक्टूबर तक। जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कोर्स करना था बीए का फर्स्ट सेमेस्टर से, या फिर बीएससी जैसे कोर्सेज जैसे मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन उन्होंने जो है डोमेन गलत चूज किया या फिर डोमेन में एग्ज़ाम दे नहीं पाए, कुछ इश्यू आ गया था। तो उनको जो है जिन लोगों ने सिर्फ सी यू ई टी का एग्ज़ाम दे रखा था, और वो जो है अगर 12th की क्वालिफ़िकेशन उनकी अगर ठीक थी तो वो जो है सी यू ई टी के थ्रू ये लोग हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया था 26 अक्टूबर तक का। उसके बाद जो है उनका फिर से एडमिशन लिस्टें जो भी है कंडक्ट की जाएगी। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से 26 अक्टूबर को कुछ मेरिट लिस्टें वगैरह रिलीज की गई है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो एमएससी जूलॉजी एंड मैनी मैनी कोर्सेज के लिए बीए, एंड यहाँ पे जो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड कोर्सेज है वो है बीटेक के कोर्सेज, बिकॉज बहुत ही कम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बीटेक प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चों की जो कोर्स की जो डिमांड है वो है बी फार्मा जैसे कोर्सेज। ठीक है, फार्मेसी की अगर मैं बात करूँ तो यार इंडिया के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फार्मेसी इंडस्ट्री, तो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है कि भैया हमको जो है फार्मेसी के अंदर करना है, हमको जो है जूलॉजी करना है, हमको मैथमेटिक्स करना है, हमको मैनी मैनी कोर्सेज करना है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे कैंपसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यार ये वीडियो जस्ट लाइक आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपडेट वगैरह नहीं मिल पाता रिगार्डिंग द सी यू ई टी एडमिशन, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ यूजी वाले बच्चों के लिए और पीजी वाले बच्चों के लिए भी, तो वो जो है अपना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जितने भी कॉलेज है जहाँ पे स्पॉट एडमिशन कंडक्ट होता है हम आपको जो है ज़रूर से अपडेट करेंगे। ओके, एंड इसके साथ ही यार अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और अगर कोई वीडियो क्रिएट वगैरह करता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिकॉज आई एम स्टडिंग इन कॉलेज, और मेरे लिए सभी कॉलेजों के रोज़ रोज़ वीडियो बना पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो अगर कोई भी ऐसा है जिसको इंटरेस्ट हो वीडियोज़ क्रिएट करने में रिगार्डिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपडेट देने में कि भैया किसका क्या अपडेट आ चुका है, या फिर अगर कोई क्रिएटर जो कि वीडियोज़ ऑलरेडी क्रिएट करता है तो वो मेरे से ज़रूर से मतलब हेल्प कर सकता है, अपनी खुद की तो हेल्प कर ही सकता है, मेरी भी हेल्प कर सकता है रिगार्डिंग द एडमिशन। हालांकि यहाँ पे जो है एमएससी जूलॉजी की आज 27 हो चुकी है, सॉरी आज 26 ही है, एंड आज लास्ट डेट है इन कोर्सेज जो भी है बीएससी वगैरह वालों के लिए। हालांकि पीजी की तरफ से ये देख सकते हो मेरिट लिस्टें आ चुकी है आज, एंड रोज़ रोज़ पर डे हर रोज़ जो है मेरिट लिस्टें रिलीज होती है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं यार जिनके काफ़ी लो मार्क्स है और अभी तक जो है उनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो जो है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो हमारा सी यू ई टी का पेड काउंसलिंग प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, जिसके अंदर हम जो है पेड काउंसलिंग आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह के अंदर भी एडमिशन करा देते हैं काफ़ी लो मार्क्स पे, और जस्ट लाइक 12th बेसिस एंड डायरेक्ट वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हो रिगार्डिंग द एडमिशन। काफ़ी कम लो जस्ट लाइक काउंसलिंग फीस पे आपको एक काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करवा दिया जाता है, जिसका जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता हो और जो फीस वगैरह काफ़ी कम हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यार कुछ कोर्सेज के बारे में अपडेट अपन। तो यहाँ पे आज जो मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है वो प्रोविजनल सेलेक्ट हुई है। अब किन किन बच्चों का एडमिशन होगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे ये लास्ट में बच्चा 200 इसकी रैंक रिलीज हुई है। अब जो एडमिशन जो जनरली होते हैं वो 50-60 रैंक पे क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 50-60 रैंक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये 60 है। ठीक है, रितेश राज सिंह, तो इसके जो मार्क्स देख सकते हो 800 जो भी है, 184 और 46, राइट। तो जो टोटल जो सीटें होती है वो इस प्रकार से कंडक्ट की जाती है, जो पहले कैटेगरी वालों को दी जाती है, देन उसके बाद में लास्ट में जो सीटें हैं वो अनरिजर्व्ड को डोनेट होती है, देन जो है ओबीसी और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए सारी की सारी सीटें डिसाइडेड होती है, और अगर बचती है तो वो सारी की सारी जनरल कैटेगरी के बेसिस पर अलॉट की जाती है। इस प्रकार से यार इन कॉलेजों में सिलेक्शन किया जाता है।
काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि भैया आप करना क्या है, हमें कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना। तो यार वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करती है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, हालांकि ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। तो जस्ट लाइक ASAP के माध्यम से एज सून एज पॉसिबल, या फिर पहले आओ पहले पाओ, क्योंकि एक ग्रुप ऑलरेडी फुल है, दो ग्रुप ऑलरेडी जस्ट लाइक उनमें 10-10 पार्टिसिपेंट ऐसे कुछ बचे हैं, तो 2-3 हज़ार लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए पड़े हैं, ठीक है। तो यार ये सारा सीन रहता है, जिन भी बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी कम काउंसलिंग फीस पे हम आपको काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करा देते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।